रही हूँ का दूसरा पद, जब आपका दूसरा लेसन चल रहा है मीरा, मीरा का पहला पद मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब ये दूसरा पद है मीरा का। इसमें पग घूर बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। लोग कहे मेरा भरी बाबरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा फांसी। मीरा के गुण गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। ये पहला है। अब पग घुंघरू बांध मीरा नाची, यानी मीरा जो है वो श्री कृष्ण की इतनी भक्ति कर चुकी है, इतनी उनकी दीवानी हो चुकी है कि उन्होंने पैरों में घुंघरू भी बांध लिए हैं। उनको पता नहीं है कि मेरे मैंने मेरे पैरों में क्या है, घुंघरू बन चुके हैं और मैं उनकी इतनी अच्छी से भक्ति कर रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण, नारायण यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है, यानी मैं तो मेरे नारायण जो आप ही होगी साची। यानी मेरा जो भी सबूत पेश करना, जो भी मेरे बारे में बताना है वो सब क्या है, श्री कृष्ण ही जानते हैं। मैं तो उनके द्वारा साची यानी सत्य हो गई हूँ, मैं मुझे किसी से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग कहे मीरा भई बाबरी, बाबरी का अर्थ होता है पागल, वैसे पागल नहीं, सिर्फ भक्ति में पागल होना, ठीक है। न्यात कहे कुल नासी, न्यात का मतलब है कुटुंब यानी परिवार वाले, नासी का मतलब नाश करने वाले। यानी लोग कहे मीरा भई बाबरी, लोग कहते हैं कि मीरा क्या है बावली हो चुकी, जो क्या है बार बार श्री कृष्ण के बारे में यानी उनकी भक्ति करती है, पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती रहती है, भजन कीर्तन करती रहती है। न्यात यानी कुटुंब के लोग, जो उनके राजकुल के लोग थे, यानी वो सब मीरा को क्या है यानी कुल का नाश करने वाली कहने लग गए थे कि मीरा जो है हमारे कुटुंब का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, यानी अपनी लोक लाज को बचाए रखने के लिए राणा जी जो थे मीरा के जेठ थे, यानी उन्होंने क्या है कि इसका क्या है नाश कर देते, इसका अंत कर देते हैं, इसको मार देते हैं, जिससे हमारे क्या है राज परिवार की लाज बची रहेगी। इसलिए विष यानी जहर, जहर का प्याला क्या है मीरा ने क्या है मतलब राणा ने क्या है मीरा के लिए भेजा था, लेकिन मीरा को पता चल गया था कि इसमें जहर है, लेकिन फिर भी उसने पी लिया और पीकर वो हंसने लग गई, क्योंकि उसने यहाँ कहा है कि मेरे जो भी मेरे साथ होगा वो नारायण जानते हैं, यानी जो करेंगे वो नारायण ही करेंगे, श्री कृष्ण ही करेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर का मतलब चतुर, यानी मीरा के जो प्रभु है वो श्री कृष्ण है, चतुर है, सहज यानी सरलता से, अविनाशी यानी नाश न होने वाला, जिसका कभी अंत नहीं होता, नाश न होने वाला कौन है श्री कृष्ण, जिसका कभी अंत नहीं होता। यानी मीरा को वो क्या है स्वाभाविक सहज का स्वाभाविक रूप से सरल रूप से कौन मिल गए हैं, श्री कृष्ण मिल गए हैं। जो चतुर श्री कृष्ण है वो मीरा का कभी भी नाश नहीं होने देंगे। इस प्रकार से हमारी ये दोनों पद क्या है पूरे हो गए हैं। और अब आप क्या है इसकी व्याख्या आपको कॉपी में करनी है। धन्यवाद।